फिल्म की शुरुआत में हम एक मॉन्स्टर हंटर को देखते हैं जो एक किंगडम का रखवाला होता है, और जब भी इस किंगडम में कोई मॉन्स्टर आता है किंग के लोग इस वॉरियर को इन्फॉर्म कर देते हैं और वो उन मॉन्स्टर को मार देता था और उसका हेड कलेक्ट करता था। और हम देखते हैं कि वो हमेशा मॉन्स्टर को मार के उसका हेड अपने साथ ले आता था, पर इस वॉरियर को एक खास मॉन्स्टर का इंतजार होता है जिसने इसकी बेटी को मारा था। और अब हम देखते हैं जब वो वॉरियर जंगल में होता है तब राजमहल से उसे सिग्नल मिलता है, मतलब एक और मॉन्स्टर उनके राज्य में आ चुका है। और अब वो अपने घोड़े पर बैठ उसे मारने निकल पड़ता है और उसे मारकर वापस आ जाता है, पर इस बार वो बहुत घायल हो गया था इसलिए वो उस प्रोटीन बार का इस्तेमाल करता है जिसको उसने उन मॉन्स्टर को मार के बनाया होता है, जिसके इस्तेमाल से वो जल्दी हील हो जाता था। पर अब उसका घोड़ा भी मारा जा चुका है और वो अकेला रह गया है। पर तभी महल से उसे दोबारा मॉन्स्टर के आने का सिग्नल मिलता है और उसको पता चलता है और ये वही मॉन्स्टर होता है जिसने इसकी बेटी को मारा था। इसके बाद वो उसकी बेटी की कब्र पे जाता है और बोलता है मुझे तुम्हारे हत्यारे का पता चल चुका है। इसके बाद वो वॉरियर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल पड़ता है और वो उस मॉन्स्टर के साथ बहुत लड़ता है, पर इसमें वही बहुत घायल हो जाता है क्योंकि दूसरों के मुकाबले यह मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होता है। पर वो वॉरियर उसे मारने में कामयाब हो जाता है और उसको मारकर उसका सर काटकर अपना घर ले आता है और उसका सर वही नीचे फेंककर अपनी बेटी की कब्र पर चला जाता है। और यही इस वॉरियर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। और अब वो वॉरियर उसकी बेटी की कब्र पे जाकर बोलता है मैंने तुम्हारे हत्यारे को मार डाला। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉरियर के घर पर तेजी से हवा चल रही होती है जिसकी वजह से एक प्रोटीन बार का डब्बा हवा की वजह से नीचे गिर जाता है और उसका पेस्ट उस मॉन्स्टर के सर के पास चला जाता है और वो सर जिंदा हो जाता है। अब इस मॉन्स्टर को एक शरीर की जरूरत होती है इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है और अब वॉरियर भी अपने घर पहुँच जाता है और उस मॉन्स्टर के सर को वहाँ ना पाकर और प्रोटीन बार के डब्बे को गिरा देख उसको भी विश्वास हो जाता है इस प्रोटीन बार से मरे हुए भी जिंदा हो सकते हैं। और अब वॉरियर उस मॉन्स्टर को ढूंढने निकल पड़ता है, पर उस मॉन्स्टर की आवाज उसकी बेटी की कब्र से आ रही होती है और जब तक वॉरियर वहाँ पहुँचता है तब तक वो मॉन्स्टर उसकी बेटी का शरीर लेकर निकल जाता है। और अब वो मॉन्स्टर उसकी बेटी की आवाज में बोल रहा होता है जिससे वो वॉरियर डिस्ट्रिक्ट हो जाता है और वो मॉन्स्टर उस वॉरियर पे हमला कर देता है। अब आगे क्या होगा, क्या वो वॉरियर उस मॉन्स्टर को दोबारा मार पाएगा, जानने के लिए देखिए हेड हंटर मूवी को जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।